हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभोग फलन की निर्धारित तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है, प्रयास सही लगता है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं कि जो अभोग फलन है, जो कंजम्पशन फंक्शन है, उसको कौन से तत्व जो है निर्धारित करते हैं। तो यहाँ है भावगत, जिसको हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं, वस्तुगत, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं। तो उनको हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन को, अभोग फलन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भावगत तत्व। तो ये जो भावगत तत्व होते हैं, ये उसकी जो मानव है, जो मनुष्य है, उसकी मनोवैज्ञानिक चीजों के साथ जुड़े होते हैं, और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो इसको हम मेयर नहीं कर सकते। जिनका संबंध यहाँ पे भावगत तत्व जो होते हैं, जो सब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं, ये मानव प्रकृति की मनोवैज्ञानिक विशेषता तथा सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं। और इसके अंदर हमें, जब हम इन तत्व को स्टडी करते हैं, तो मनुष्य तथा व्यावसायिक संस्थाएं कौन सी स्थिति के अंदर जो अभोग है के ऊपर कम खर्चा करती हैं तथा बचत ज्यादा करती हैं। तो यहाँ पे जो भावगत तत्व है, जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, तो ये दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल फैक्टर्स, व्यक्तिगत तत्व, दूसरा है बिजनेस फैक्टर्स, व्यवसायिक तत्व। तो जब हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, तो ये जो है हमें वक्र की स्थिति और ढलान को निर्धारित करते हैं। इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। व्यक्तिगत तत्व जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उसकी कंजम्पशन प्रवृत्ति को जो है प्रभावित करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा मनुष्य है, जो व्यक्ति है, कई बार क्या होता है कि भविष्य जो होता है बिल्कुल भी अनिश्चित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो होते हैं बहुत दूर की सोचते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें भविष्य के अंदर पता नहीं भविष्य का समय कैसा होगा, तो वो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखते हैं तथा खर्चा कम करते हैं। जो लोग ज्यादा दूरदर्शी होते हैं, ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो बचाते ज्यादा हैं। उसी तरह आर्थिक स्वतंत्रता, देखो कुछ लोग जो होते हैं वो इसलिए कम खर्चा करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर उनको किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहना पड़े, तो वो ज्यादा बचत करते हैं ताकि वो आर्थिक स्वतंत्रता, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम जो है मिले, और पैसे के लिए किसी के ऊपर भी उनकी मोहताजी ना हो, तो वो खर्चा कम करते हैं, बचाते ज्यादा हैं। उसी तरह भविष्य में अधिक आय, देखो कुछ लोग होते हैं वो इसलिए बचत ज्यादा करते हैं, खर्चा कम करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि बचत करके वो उन पैसों को निवेश करके ज्यादा धन कमा सकते हैं। और उसी तरह व्यवसायिक उद्देश्य, कोई जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसलिए वो खर्चा कम करते हैं, बचाते ज्यादा है, ताकि भविष्य के अंदर वो अपना मन चाहा बिजनेस व्यवसाय शुरू कर सके। और कई लोगों को ऐसा भी होता है कि हमने अपने जो संतान है उसके लिए काफी सारा धनराशि छोड़ के जाना है, तो वो काफी सारी बचतें करते हैं, अब भोग के ऊपर कम खर्चा करते हैं, क्योंकि वो अपने अपने बच्चों के लिए जो है काफी संपत्ति बना के छोड़ के जाना चाहते हैं। कंजूसी, देखो समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते, हर जगह पे कंजूसी करते हैं, वो बचते ज्यादा करते हैं तथा खर्चा कम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो अभोग के ऊपर कम खर्चा करते हैं। देखो समाज के अंदर उन्हीं लोगों को पूछा जाता है, उनको प्रतिष्ठा का स्थान मिलता है जिनके पास धन दौलत ज्यादा होती है, तो इसलिए लोगों को होता है कि अगर हमारे पास ज्यादा बचते होंगी तो लोगों को लगेगा कि हमारे पास पैसा ज्यादा है तो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, इसलिए वो खर्चा कम करते हैं। और उसी तरह कुछ लोग ऐसा होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, उसके अंदर कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, तो वो भविष्य में अचानक उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के लिए भी ज्यादा बचते करते हैं। तो
ये सारे व्यक्तिगत तत्व थे जो उसकी भोग को प्रभावित करते थे, जिस अवस्था के अंदर मतलब इन स्थितियों के अंदर वो भोग कम करता था, बचत ज्यादा करता था। अब हम देखते हैं बिजनेस फैक्टर, व्यावसायिक तत्व, कि जो फर्में हैं, जो संगठन है, वो किस तरह से जो है बचते ज्यादा करती हैं। इसी तरह देखो, जो बिजनेस को बढ़ाना है तो जो फर्में होती हैं वो ज्यादा बचते करती हैं, खर्चा कम करती हैं, ताकि वो फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और उसी तरह क्या होता है कि कुछ फर्में जो होती हैं तरलता को अधिमान देती हैं, कि भविष्य के अंदर कोई भी ऐसी कठिनाई, कोई भी ऐसा संकट आए तो वहां पे हमारे पास धनराशि होनी चाहिए, तो इस वजह से क्या है कि वो खर्चा कम करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे वित्तीय विवेक या फाइनेंशियल प्रूडेंस, मशीनों की गिरावट होने के कारण क्या होता है कि वो धन को बचा के रखते हैं, खर्चा कम करते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो अपनी मशीनरी वगैरह जो है परचेज कर सके। और उसी तरह क्या होता है कि जो फर्में होती हैं वो ज्यादा बचते करती हैं, कल को अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए पैसा बचा के रखते हैं। एक जो सफल प्रबंधक वही होता है कि जो बिजनेस के अंदर जो भी संकट आता है उसके लिए वो आवश्यक धनराशि जुटा सके। तो ये हमारे जो है सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स थे। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारा जो अभोग वक्र है वो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, कर्व के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जैसे मौद्रिक आय में परिवर्तन आता है, जब हमारी आमदन बढ़ती है तो अभोग भी बढ़ता है, परंतु जितनी आमदन के अंदर वृद्धि होती है उतनी अभोग के अंदर वृद्धि नहीं होती। तो अभोग के अंदर क्या होता है कि इनकम की वजह से जो है कम मतलब अभोग बढ़ता है, क्योंकि जो अल्पकाल होता है उसके अंदर हमारा अभोग जो होता है ऑलमोस्ट स्थिर होता है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि वास्तविक आय में परिवर्तन, देखो जब किसी वस्तु की मूल्य कम हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब हमें कम धनराशि देके ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे कोई चीज पहले 10 की थी या 5 की आती है तो अब वो 10 में 2 खरीद सकते हैं, तो उनकी वास्तविक आय बढ़ जाती है, तो उपभोग ज्यादा खर्च करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तो उनकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, तो जिसके कारण वो कम खर्च करते हैं। आय के वितरण के अंदर परिवर्तन, देखो अगर आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो समान है तो अभोग प्रवृत्ति जो है ज्यादा होगी। बट अगर क्या है कि अभोग का जो आमदन है उसका वितरण असमान है तो अमीरों के पास ज्यादा धन होगा, तो अमीर लोगों के पास ऑलरेडी चीजें ज्यादा होती है, वो ज्यादा भोग नहीं करते, तो गरीबों के पास कम धन होता है तो इसलिए अभोग प्रवृत्ति कम होगी। उसी तरह आकस्मिक लाभ और हानि, यदि किसी कारणवश लोगों को अचनचेत लाभ प्राप्त हो जाता है तो वो उपभोग पर ज्यादा खर्चा करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब अचानक ही हानि लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो वो लोग उपभोग पर कम खर्चा करते हैं। निगमों की वित्तीय नीति, देखो निगम जो होता है अगर उनको प्रॉफिट होता है, अगर वो अपने पार्टनर्स के अंदर साझेदारों में सारा अपना लाभ जो है बांट देता है तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, वो ज्यादा खर्चा करेंगे तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी, परंतु अगर सारा लाभ ना बांटा जाए तो साझेदारों की आय कम होती है और जिसके कारण क्या होता है कि उपभोग प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। और उसी तरह अपेक्षाओं में परिवर्तन, देखो यदि लोगों को लगता है कि भविष्य के अंदर वॉर लगने की आशंका है तो वो क्या करेंगे कि अगर युद्ध लग जाता है तो वस्तुओं की कमी होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ज्यादा वस्तुएं खरीद के रख लेते हैं, तो इसलिए उपभोग प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। उसी तरह हम देखते हैं राज्यकोषीय नीति, यदि सरकार की राज्यकोषीय नीति इस प्रकार की है, अगर उसके अंदर प्रोग्रेसिव प्रगतिशील टैक्स लगाए जाते हैं और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार खर्चा करती है तो आय का वितरण जो होता है समान होता है और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और उसी तरह ब्याज की दर में परिवर्तन आने से भी उपभोग प्रवृत्ति के अंदर जो है परिवर्तन आता है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि उपभोग प्रवर्तन के अंदर कमी होगी या वृद्धि होगी, क्योंकि तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो लोग ज्यादा बचत करने की सोचते हैं और ब्याज की दर कम होने पर कम बचते करते हैं, और इसके विपरीत ये भी पॉसिबल हो सकता है
जो व्यक्ति ब्याज के रूप में एक निश्चित आमदन को प्राप्त करना चाहता है, तो ब्याज की दर के कम होने पर वो अधिक बचत करे तथा अभोग कम करे, और उसी तरह ब्याज की दर के अधिक होने पर वो व्यक्ति बचत कम करेगा तथा अभोग अधिक होगा। तो ये निश्चित है कि जब ब्याज की दर में परिवर्तन आता है तो अभोग प्रवृत्ति पर भी कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्र थे वो कहते थे मजदूरी कटौती, जब मजदूरों की मजदूरी कम कर दी जाती है तो जिससे कीमतें कम हो जाती हैं, और कीमतें कम होने की वजह से लोग ज्यादा खरीदते हैं, उनके भोग में प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। परंतु केन्स के मुताबिक ये सिद्धांत एक फर्म के मजदूरों के लिए तो ठीक है, परंतु इसको हम सारी अर्थव्यवस्था पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जब मजदूरी कटौती कम होती है तो गरीबों की आय कम हो जाती है और जिसकी वजह से वो कम उपभोग करते हैं। उसी तरह लिक्विड एसेट, जैसे कि नवपरंपरावादी अर्थशास्त्री विशेषज्ञ पीगू जो है उनका ये कहना है कि कीमतें कम होती हैं तो जिन लोगों के पास लिक्विड एसेट ज्यादा होती है तो उनका वास्तविक जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है, और जिसके कारण वो ज्यादा खर्चा करते हैं। तो इसे पीगू का विशेष इफेक्ट भी कहा जा सकता है और रियल बैलेंस इफेक्ट भी कहा जा सकता है। तो केन्स ने इसकी आलोचना की है, उसका ये मानना है कि ज्यादातर लोगों के पास नगद रुपया या बैंक जमा नहीं होता। अगर मान लो कि लोगों के पास नगद रुपया है भी है तो वो खर्च करने के बजाय उसको बढ़ाना चाहेंगे, तो इसलिए वो कम खर्च करेंगे। उसी तरह सोशल सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस, देखो जो लोग होते हैं वो फ्यूचर की ज्यादा सोचते हैं, वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन बीमा पॉलिसीज खरीदते हैं, कुछ भाग प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, पॉलिसीज भी लेते हैं, उनकी बीमा की किस्तें भी भरते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कम उपभोग पे खर्चा करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि नई वस्तुओं का आकर्षण, तो जब कोई वस्तु बाजार में नहीं आती है तो लोग उसे ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, तो इससे भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और कई बार नई वस्तु के इसके पास है प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण भी क्या होता है कि उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और उसी तरह अगर हमारे पास चीजों को उधार तथा किस्तों की सुविधा हो तो उससे भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब जैसे कार वगैरह लेनी है, फ्रिज लेना है, अगर इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हो जाता है तो लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और उसी तरह जब हमें लगता है कि भविष्य के अंदर हमें ज्यादा आमदन मिलने की संभावना है तो जो वर्तमान आय होती है उसको हम ज्यादा खर्च करते हैं, उसके अंदर बचत कम करते हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर वस्तुएं जो होती हैं आसानी के साथ उपलब्ध होती हैं तो उन पे खर्चा ज्यादा होता है, और अगर वस्तुएं जो है राशनिंग है या अवेलेबल नहीं है तो उनके ऊपर खर्चा कम होता है। उसी तरह अगर यातायात के साधनों का विकास है तो उसका भी उपभोग प्रवृत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, कि इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है एक शहर से, एक टाउन से दूसरे शहर में जा सकता है, तो इससे उपभोग बढ़ता है। इसी तरह जब लोगों के पास ड्यूरेबल वस्तुएं जैसे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, एसी है, ये इसका भंडार पहले से ही है तो लोग इन्हें कम मात्रा में खरीदते हैं। और उसी तरह जो चीजें फैशन में होती है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा होता है, लोगों के फैशन तथा विचारों के अंदर जब परिवर्तन आता है तो उपभोग प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। जिस चीज का फैशन होता है उस चीज की ज्यादा उपभोग होता है। उसी तरह जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। उसी तरह जनसंख्या की रचना क्या है, उसके अंदर किस कैटेगरी के लोग ज्यादा है तो उसका भी उपभोग प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हम देखते हैं कि लोगों की जो आमदन है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्थिर आय है कि अस्थिर आय है। देखो जो स्थिर आय वाला है उसका उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होता है, परंतु जिसका इनकम स्टेबल नहीं होता, जैसे आज मिल गया इनकम कल नहीं मिलेगा या थोड़ा है, तो उसकी जो अपभोग प्रवृत्ति है वो कम होती है।